दोस्तों, अपनी जिंदगी में वही इंसान कामयाब है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। अगर आप में अहंकार है और आपको बहुत गुस्सा आता है तो जिंदगी में आपको किसी और दुश्मन की कोई जरूरत नहीं। आप खुद स्वयं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। जिंदगी की हकीकत बस इतनी सी है कि इंसान पल भर में याद बन जाता है। और जिंदगी जीने के लिए नजरों की नहीं नजारों की जरूरत होती है। अपनी जिंदगी को अक्सर वही लोग बदलते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के काबिल नहीं समझती। अगर आप ये सोचकर अपने जीवन के लक्ष्य को छोड़ देते हैं कि दुनिया कहती है कि आपसे हो नहीं सकता, तो समझ लीजिए कि आप उससे कई बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते थे जिसको आपने दुनिया के डर से छोड़ दिया है। एक दिन आप अपने आप से इस बात का जरूर शिकवा करोगे, वक्त और हालात से नहीं, कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। और दोस्तों, बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाएं तो वो आदतें आपका वक्त बदल देती हैं। और जिंदगी विज्ञान के प्रयोग जैसी होती है, जितनी बार आप प्रयोग करोगे पहले से उतनी बेहतर होती जाएगी। और जितने दिन जिंदगी को आपने खुलकर जी लिया वही दिन आपके हैं, बाकी दिन तो सिर्फ कैलेंडर की तारीखें हैं। और दोस्तों, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि दिन में एक बार जरूर अपने आप से बात करो, वरना आप दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी से बात नहीं कर पाओगे। इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन अपने लिए आप खुद हो, इसलिए दिन में एक बार खुद के साथ वक्त जरूर बिताएं और बातें करें। और जिन्हें आपको गलती ही समझना है वो लोग आपके चुप रहने का भी गलत मतलब निकाल लेंगे। और कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हम पे वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। और किसी ने बहुत सच कहा है कि इस दुनिया में ज़्यादातर लोग आपकी हैसियत देखकर आपसे हाथ मिलाते हैं, आपके कपड़ों से गले मिलते हैं और आपकी गाड़ी को दावत देते हैं। और दोस्तों, यही तो खासियत है जिंदगी की। वे भी कर्ज चुकाने पड़ते हैं जो कभी लिए ही नहीं। और दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं होती, हर रोज कोई ना कोई एहसास दफन हो जाता है। और अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ कि इंसान बहुत खुदगर्ज है। पसंद करे तो बुरा ही नहीं देखता और नफरत करे तो अच्छा ही नहीं देखता। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।